उत्तर प्रदेश में माफियागिरी के अंत के जो संकेत मिल रहे हैं और जो प्रबल संदेश मिल रहा है उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस की है, पर जो एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे और शूटर का, उसके बाद कुछ सवाल भी हैं सबके जहन में। तो हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आपने वो सवाल और वो बिंदु सुने होंगे। पुलिस सियासत से दूर जरूर रहती है लेकिन वो सवाल जरूर पुलिस को घेरे में लेते हैं। जो सवाल उठ रहे हैं इस एनकाउंटर को लेके, उसमें सबसे पहली चीज मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या इन्हें जिंदा गिरफ्तार करने की गुंजाइश थी? हमारा प्रथम प्रयास किसी भी केस में अपराधी को या भागते हुए अपराधी को जिंदा पकड़ने की ही होती है, और पहले उसको सरेंडर के लिए भी कहा जाता है। लेकिन जब हॉट चेज होता है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग की जाती है। ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे जिसको सबने फायरिंग करते और बॉम्ब फेंकते हुए मौके पे देखा था, और स्पेसिफिक इनपुट थी कि उसी रूट से अतीक को आना था और उस दौरान कॉन्वॉय को अटैक करके उसको छुड़ा ले जाने का भी प्लान था, क्योंकि इसको सजा हो चुकी थी एक दूसरे केस में, और पहली बार 40 साल के अंदर इसको सजा एक महीने पहले ही एक आजीवन कारावास की हुई थी। तो इसको ये पता था कि मुझे जेल से निकलना नहीं। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारी सभी प्रदेशों में जो रूट के जो उस रूट पे पढ़ते थे उनसे हमने समन्वय बनाया हुआ था, हमारा कोऑर्डिनेशन था, ताकि इस तरह की कोई घटना नहीं। वैसे भी जब इस तरह के हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को हम मूव करते हैं तो उसके सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा कानूनी दायित्व है कि हम उसको सक्षम न्यायालय के समक्ष जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं हम उसको प्रस्तुत करें। इस केस में भी हमने सैनिटाइज किया था, इसी कारण से हमारी स्पेशल टीमें रास्ते में लगी थी और उसके द्वारा हॉट चेस के दौरान ये घटना हुई। जब इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेट फायरिंग पुलिस पे की तो पुलिस ने भी फायर बैक किया, और आपने देखा होगा कि जैसे ही ये इनकैपेसिटेटेड हो गए, मतलब कि नीचे गिर गए, तो पुलिस तत्काल उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में या CSC में, जो भी प्राथमिक डॉक्टर्स जहां अवेलेबल होते हैं वहां हम लोग ले जाते हैं। सर, पर उसमें सवाल उठाने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो तस्वीर देखकर ही ये समझ में आ रहा है कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, पर पुलिस की तरफ से ये स्पेसिफाई किया गया कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया। देखिए, जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं वो कोर्ट और कचहरी में जाके बयान नहीं देते। पुलिस अपने हिसाब से, अगर हम उसको अस्पताल न ले जाएं तो ये भी कह सकते थे कि साहब अस्पताल भी नहीं ले गए, और पुलिस इस मामले में सक्षम नहीं है कि कौन सा आदमी डेड है या अलाइव है। हम प्रयास, हर संभव प्रयास करते हैं और सभी के लिए प्रयास करते हैं। जैसे इंजरी के भी केसेस होती है, हम तत्काल एक्सीडेंट में लेके जाते हैं, बहुत खराब कंडीशन है, किसी किसी में सर्वाइवल रेट्स भी होते हैं, मिरेकल्स भी हो जाते हैं। तो हम लोगों ने, हम जो भी बदमाश घायल होता है या कोई भी व्यक्ति घायल होता है, हम उसको ले जाते हैं, और डॉक्टर्स आर ओनली कॉम्पिटेंट टू कमेंट वेदर सम पर्सन इज अलाइव और डेड। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद एक नई ऊर्जा सी दिखती है, क्या सियासत की इच्छा शक्ति पुलिस के हाथों को मजबूत करती है? देखिए, शासन की तरफ से एक मैंडेट मिलता है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करना है, उसके बाद से ही लगातार माफियाओं को चिन्हित करके कार्रवाई चल रही है। इन माफियाओं के 40-40 साल पुराने आपराधिक इतिहास है, और आपने देखा होगा कि ये इनका साम्राज्य दिन प्रतिदिन, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, सभी चीज़ें लीगल हो रही हैं, सभी कोर्ट्स हैं, सभी जगह से किसी कहीं से कोई पुलिस के कार्रवाई पे कोई उंगली तो उठा नहीं रहा। अभी भी जो घटनाएं हुई हैं या जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें भी सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, हम सबको फॉलो करेंगे। जो गाइडलाइंस हैं सर्वोच्च न्यायालय के हों या NHRC के हों, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हों, हम सबको समय समय पर आख्या प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा जो बताई गई प्रक्रिया है, जो कि पुलिस एक्शंस में होती हैं, हम सब फॉलो करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर सही मंशा से और अच्छे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पुलिस कार्य कर रही है, उसको जो मैंडेट मिला है वो पूरी लीगल तरीके से कर रही है, अरबों अरबों रुपए की संपत्ति हम लोगों ने सीज की है, ध्वस्त की है,
हम लोगों को तो किसी ने नहीं माना किया, तो सभी जगह कोर्ट के द्वारा स्क्रूटनी, दबाव नहीं हमारे, हम लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। जो लीगल कार्रवाइयां होती हैं, और आपने देखा होगा बड़े बड़े माफियाओं के जिनके लंबे क्रिमिनल इतिहास हैं, अब लोग कन्विक्ट भी हो रहे हैं सक्षम न्यायालय के द्वारा, अपील में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके अरबों की संपत्ति जो ध्वस्त की गई है, वहां पर जनहित में बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं। सर, और ये जो आरोप लगाया जाता है कि पक्षपात है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई, उस पर क्या आप स्पष्टीकरण देंगे? अगर आप माफियाओं की लिस्ट देखेंगे और या जो पुलिस कार्रवाई की लिस्ट देखेंगी, तो अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो उसका धर्म से, क्षेत्र से और जाति से कोई लेना देना नहीं। इट्स अ टोटली रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल एंड रीजन न्यूट्रल एक्शंस। आगे जो कार्रवाई इसमें होनी है, पहले तो क्रिटिसिज्म आप लोगों को ये भी झेलना पड़ा था कि 49 दिन हो गए हैं, देखिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। अभी भी कुछ लोग हैं जो गिरफ्त में नहीं है, पुलिस पूरे जोर से लगी हुई है? हाँ, विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से ये प्रथम दिन ही स्पष्ट किया जा चुका था कि इस घटना में शामिल जो भी लोग शामिल हैं, इसकी साजिश में जो लोग शामिल हैं, और जो लोग भी इन बदमाशों को घटना के बाद संरक्षण देंगे या उनको फाइनेंस करेंगे, सब पे पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। और इसमें जब तक कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अकाउंट फॉर न कर लें, हम चैन से बैठने वाले नहीं।